हेलो एंड वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आप सभी के सामने आज के C++ का जो है नया टॉपिक लेके हाजिर हो चुका हूं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप विद्युत विभाग भर्ती 2021 के अंडर सूचना सहायक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अपकमिंग एग्जाम कंप्यूटर टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस से संबंधित जो भी बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल होता है वो बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको जो भी अदर सब्जेक्ट है उसके भी मटेरियल आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी आपको जो है सूचना सहायक एग्जाम्स के अंदर जो है सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बेस पर ये वीडियो तैयार किए गए हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और इसके अलावा जो भी अदर पॉइंट के वीडियो है वो भी अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें देखिए और उनका फायदा अपने एग्जाम के लिए उठाइए। तो देखिए, आज इस सी प्लस प्लस के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग से संबंधित कौन कौन से फंक्शन अप्लाई किए जाते हैं और उन फंक्शंस का किस प्रकार से हम यूज ले सकते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रिंग जो होता है एक कैरेक्टर्स का समूह होता है। जब तक एक कैरेक्टर होगा तब तक वो, मान लिया मैं लिखता हूं यहां पर एच, ये जो होगा वो कैरेक्टर्स कहलाएगा। लेकिन जब मैं इसको एच ई एल एल ओ यानी हेलो लिखूंगा तो ये एक प्रकार का स्ट्रिंग कहलाएगा। यानी यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5 पांच कैरेक्टर्स का समूह मिलकर जो है इसने एक वर्ड बनाया हेलो, तो ये जो है एक स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग जो होते हैं वन डायमेंशनल एरे होता है जिसमें सिर्फ कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर जो होता है वो नल होता है। अगर पूरा स्ट्रिंग लिखना हो तो उसे डबल कोटेशन में लिखा जाता है, अगर एक ही कैरेक्टर को लिखना हो तो उसे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। ये स्ट्रिंग से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको पूरा स्ट्रिंग एक साथ लिखना है तो उसको हम डबल कोटेशन से लिखेंगे, अगर आपको इन सभी कैरेक्टर्स को अलग अलग लिखना है तो फिर आपको इसको सिंगल कोटेशन के बीच में लिखना पड़ेगा साथियों, ठीक है। स्ट्रिंग का डाटा टाइप जो होता है वो कैरेक्टर प्रकार का होता है। लेकिन यहां पर देखिए, आप एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि कैरेक्टर और एक एसटीआर वन नाम से एक वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप का है, जिसके अंदर मैं 6 वेरिएबल को जो है स्टोर करना चाहता हूं। अब इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 वेरिएबल तो स्टोर हो गए इसके अंदर, सॉरी 5 जो अपना वैल्यू था वो तो स्टोर कर दिया, लेकिन लास्ट का जो 6 वाला वेरिएबल था वैल्यू था वहां पर उसके स्थान पर नल वैल्यू को जो है स्टोर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखें अब इसके अंदर जो है कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं जो कि है मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग को किस प्रकार से स्टोर करते हैं। तो इसके अंदर देखिए कैरेक्टर स्टार 2 और इसके अंदर 6 वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैंने एरे बनाए हैं जिसमें मैं एच ई एल एल ओ यहां पर सेव कर सकता हूं। अब देखिए मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग एरे साइज, यहां पर जो है एरे को साइज को हम डिक्लेयर करते थे, लेकिन अगर हम एरे की साइज को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, तो यहां पर जो है वैल्यू को हटा दिया जाता है और इसको नल यानी खाली छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर हम जो है अनलिमिटेड वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए स्ट्रिंग का एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं जिसमें मैंने जो है कैरेक्टर स्ट्रिंग 6 जिसके अंदर 6 वैल्यू मैंने स्टोर करवाई, दूसरा भी मैंने कैरेक्टर स्ट्रिंग 6 लिखा है लेकिन इसके अंदर मैं डायरेक्टली इसको डबल कोटेशन के थ्रू लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर ये एच ई एल एल ओ अलग अलग प्रकार का जो है मैंने डिक्लेयर किया है और इसको एक साथ करना है तो ये मल्टीपल वाला जो है प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एस टी आर 3 वाले में जो है मैंने कोई वैल्यू नहीं डाला लेकिन एच ई एल एल ओ वैल्यू को डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये 3 उदाहरण है, इन तीनों में से कोई भी आप जो है यूज कर सकते हो। वैल्यू ऑफ एस टी आर 1, एस टी आर 2 और एस टी आर 3 के जो है वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर इस ब्रेकेट को बंद कर देंगे तो ये प्रोग्राम यहाँ से बंद हो जाएगा। जब इसका आउटपुट देखा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आउटपुट आएगा, तीनों का सेम है लेकिन इनको डिक्लेयर करने का तरीका अलग अलग हो सकता है और आपको कौन सा बेटर लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं साथियों, हम इन फंक्शन को प्रोग्राम में इस्तेमाल करना हो तो string.h या strings.h नाम की एक हेडर फाइल होती है उसको हमें इंक्लूड करना पड़ता है। अब देखिए इसके अंदर कुछ फंक्शंस आ रहे हैं तो इनको यूज करना है अगर आपको, तो इसके लिए आपको जो है string.h या strings.h हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको कुछ आपको समझा देता हूं। पहला आता है आपके strcat जो कि एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। str कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर का पहला ऑक्यूरेंस के आगे जो है स्ट्रिंग पॉइंटर को रिटर्न करता है। strcmp क्या होता है, दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने का काम करता है, ये केस सेंसिटिव है या नहीं है।
str cmpi, ठीक है। तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया जाता है, ये केस सेंसिटिव नहीं होते, cmpi वाला ये केस सेंसिटिव होता है। str cpy जो होता है वो कॉपी करने का काम करता है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में। str dup यानी डुप्लीकेट करने का काम, इसी तरीके से लेन क्या करता है, उस स्ट्रिंग का लेंथ ज्ञात करने का काम करता है। str lower क्या करता है, उस कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। कैट क्या करता है, उस कैरेक्टर से स्ट्रिंग को जोड़ता है, जो भी नंबर देते हैं उसको हम स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, तो यहां पर नेक्स्ट देखिए आप str and cpy क्या होता है, दिए हुए नंबर को जितने कैरेक्टर्स एक कैरेक्टर से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी किया जाता है, ठीक है। str and set क्या होता है, दिए हुए नंबर और दिए हुए कैरेक्टर के हिसाब से स्ट्रिंग को रिप्लेस किया जाता है। str r chr क्या होता है, ये अलग है, देखो str chr और str r chr अलग है। दिए हुए स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर का आखिरी ऑक्यूरेंस के आगे स्ट्रिंग पॉइंटर को रिटर्न किया जाता है। str reverse जो होता है वो स्ट्रिंग को रिवर्स यानी उल्टी दिशा में प्रिंट करता है। str r str क्या करता है, आखिरी स्ट्रिंग ऑक्यूरेंस के आगे जो है आगे का स्ट्रिंग पॉइंटर जो होता है वो रिटर्न करता है। उसके बाद देखो str set क्या करता है, ये कैरेक्टर से दूसरे दिए हुए कैरेक्टर से पूरे स्ट्रिंग को जो है ये रिप्लेस करने का कार्य करता है। और str क्या करता है, ये करता है आपके कि दिए हुए स्ट्रिंग का पहला स्ट्रिंग ऑक्यूरेंस के आगे स्ट्रिंग पॉइंटर को रिटर्न करता है। और लास्ट आपका str अपर क्या करता है, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब देखिए आगे, सबसे पहला देखो str cat जो होता है स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है, ये स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। इसका सिंटेक्स देखिए str cat और उसके अंदर जो है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और सोर्स स्ट्रिंग को डाला जाता है। str स्ट्रिंग क्या होता है, ये वो पैरामीटर होता है जिसके साथ सोर्स का स्ट्रिंग जोड़ा जाता है। स्ट्रिंग के आखिर में नल कैरेक्टर होता है, सोर्स स्ट्रिंग डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के साथ जुड़ते समय उसको रिमूव कर दिया जाता है। और सोर्स स्ट्रिंग क्या होता है, ये वो पैरामीटर होता है जिसका स्ट्रिंग डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के साथ आखिर में जोड़ा जाता है। ये सबसे पहला था, वैसे मैंने आपको तालिका के अंदर जो है पूरा समझा दिया था। उसके बाद एक str chr क्या होता है, ये आपके दिए हुए स्ट्रिंग से एक स्ट्रिंग का जो है एक कैरेक्टर का पहला ऑक्यूरेंस के आगे जो है स्ट्रिंग पॉइंटर को रिटर्न करता है। इसके अंदर देखिए मैं str chr को डिक्लेयर कर रहा हूँ और ये जो है एक सिंटेक्स है इसका। इसके बाद में इसमें जो है स्ट्रिंग लिखा जाता है और इंटीजर के अंदर जो है वो कैरेक्टर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप str cmp कंपेयर करने वाला, इसके अंदर दो वैल्यू को आपस में कंपेयर किया जाता है, दो स्ट्रिंग को। और ये इसका देखिए str cmp लिखिए और उस फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग फर्स्ट और टू को आपस में लिख दीजिए, या आप जिन वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो उनका डेस्टिनेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं या उनका वेरिएबल नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप str cmpi क्या होता है, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसके अंदर भी आप str cmpi लिखिए, उस फंक्शन के अंदर जो है आप दोनों स्ट्रिंग का नाम लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आप str cpy क्या होता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। सॉरी यहाँ पर जो है आपके ये एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर जो है कॉपी करने का काम करेगा। यहाँ पर मिस प्रिंट है आपका, ये मिस टाइपिंग जो है यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर मैं बताता हूँ कि str cpy के थ्रू जो है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर जो है कॉपी किया जाता है। उसके बाद देखिए किस स्ट्रिंग को डुप्लीकेट करना है, तो इसलिए यहाँ पर str duplicate जो है आप यहाँ पर str dup जो है फंक्शन लगाइए, इसके अंदर जिस स्ट्रिंग का डुप्लीकेट करना है उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिए तो उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर str len जो स्ट्रिंग दिया होता है, जैसे स्ट्रिंग और str len और अंदर जो है स्ट्रिंग, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगा उसके अंदर कितने अक्षर है उनका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। जैसे hello तो उसके अंदर पांच अक्षर है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट str len का आंसर पांच आ जाएगा, यानी वो लेंथ ज्ञात करेगा। इसी तरीके से देखिए str wr जो होता है, str wr के अंदर जो है हम कोई भी स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं तो वो अगर अपर केस में तो वो लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार से देखिए strn cat जो होता है नंबर के जितने कैरेक्टर के आगे हैं उसने स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। अब इसका देखिए आप सिंटेक्स strn cat डेस्टिनेशन स्ट्रिंग यहाँ पर लिखा जाएगा, उसके बाद सोर्स स्ट्रिंग और उसका जो साइज होता है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखिए strn cpy, वो str cpy था, ये n cpy होता है। ये क्या होता है, कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में आपस में कॉपी करता है। ये यहाँ पर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग लिखेंगे, सोर्स स्ट्रिंग लिखेंगे और यहाँ पर आगे उसका जो है साइज यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद देखिए str and set के अंदर देखिए दिए हुए नंबर और दिए हुए कैरेक्टर के हिसाब से स्ट्रिंग को आपस में रिप्लेस करता है। यहाँ पर स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग और इंटीजर c यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे।
यहां पर देखिए एस टी आर सी एच आर दिए हुए स्ट्रिंग से लेकर सॉरी दिए हुए स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर का आखिरी ऑक्यूरेंस के आगे का स्ट्रिंग जो होता है पॉइंटर को रिटर्न करता है ये, और एस टी आर आर सी एच आर जो होता है इसका सिंटेक्स देखिए स्ट्रिंग और इंटीजर कैरेक्टर यहां पर डाले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए एस टी आर रिव यानी रिवर्स करता है ये जो स्ट्रिंग देंगे यहां पर ब्रैकेट के अंदर एस टी आर आर रिवर्स, ठीक है एस टी आर रिवर्स के अंदर वो स्ट्रिंग जो है उल्टी छप जाएगी, जैसे एच ई एल एल हो तो वहां पर ओ एल एल ई एच ये ऐसे छप जाएगा। आगे देखिए एस टी आर आर एस टी आर ये क्या होता है स्ट्रिंग आखिरी स्ट्रिंग ऑक्यूरेंस के आगे का स्ट्रिंग पॉइंटर को रिटर्न करता है ये, इसके अंदर देखिए एस टी आर आर एस टी आर इसके अंदर स्ट्रिंग फर्स्ट और स्ट्रिंग टू जो है यहां पर लिखी जाएगी। अब देखिए एस टी आर सेट इसके अंदर देखिए दिए हुए स्ट्रिंग का आखिरी स्ट्रिंग ऑक्यूरेंस के आगे का स्ट्रिंग पॉइंटर को जो है यहां पर रिटर्न किया जाता है, इसके अंदर देखिए एस टी आर सेट के अंदर स्ट्रिंग और इंटीजर कैरेक्टर यहां पर लिख दिया जाता है। आगे देखिए एस टी आर के अंदर क्या होता है इसके अंदर जो है आपके स्ट्रिंग का आखिरी स्ट्रिंग ऑक्यूरेंस जो होता है उसके आगे का स्ट्रिंग पॉइंटर को आपस में जो है रिटर्न करता है, इसका सिंटेक्स देखिए एस टी आर और स्ट्रिंग अंदर स्ट्रिंग फर्स्ट और स्ट्रिंग टू या जो भी स्ट्रिंग आप लिखना चाहे वो यहाँ पर कोमा के थ्रू लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट अपना एस टी आर अपर जो लोअर केस के वर्ड होंगे उसको हमें अगर अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है तो एस टी आर यू पी आर और कॉस्टक में स्ट्रिंग को लिख दीजिए तो आपका अक्षर जो होगा वो बड़ा अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में C++ के जो स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन और स्ट्रिंग के बारे में जो है जाना है साथियों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार और मज़ेदार लगा होगा, आपको थोड़ा बोरिंग लगा होगा क्योंकि थ्योरी जो होता है पार्ट वो कहीं पर भी देख के आप थोड़ा बोरिंग ही होता है, लेकिन अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो वो बोरिंग के अंदर नहीं आता है। आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज एनवीरा एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम पेज एनवीरा एजुकेशन को ज्वाइन करें ताकि आप भी जो है इस ग्रुप के अंदर जुड़कर जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। इस एग्जाम से यानी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का जो एग्जाम है इससे संबंधित कोई भी प्रकार के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम्स के मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी का लिंक जो है फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और का टेलीग्राम इन सभी का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। तो इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं C++ के एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।